हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानदीप के इस सेशन में। क्लास 10 साइंस कक्षा 10 विज्ञान की क्लास रहने वाली है और इस क्लास में हम लोग उन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जिनके ऊपर हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं। अपने पिछले जो कॉन्सेप्ट हैं, पिछली जो बातें हैं, उनको हम करते हैं कंटिन्यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग रेडी होंगे क्लास के लिए और बैठ चुके होंगे एक अपनी जो रेगुलर नोटबुक होती है उसके साथ और पेन के साथ। बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा अभी, थोड़ा सा समय लगेगा, वो ये कि जो नोट्स क्लास में बनाए जाते हैं उनको आप अच्छे तरीके से एक नोटबुक में मेंटेन रखिए। यही नोट्स हैं जो एग्जाम के टाइम पर आपके काम आते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर यदि आप पूरी बुक देखने की कोशिश करेंगे, पूरी बुक देखने जाएंगे, तो आपका बहुत सारा समय वेस्ट होगा। जी, समय आपका वेस्ट होगा, वो यूटिलाइज नहीं होगा। ठीक है, समय आपको बचाने के लिए अभी से आपको सारी चीजें एक जगह मेंटेन रखनी है, ताकि एग्जाम टाइम पर सिर्फ आप उसको पढ़ें और एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी चीजें आपके भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ और उनको सारे पॉइंट्स नोट डाउन करवा रहा हूँ, तो प्लीज आप उनको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग पिछली जो हमारे टॉपिक चल रहा है, संयोजन अभिक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, यानी सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसको हम कर रहे हैं कंटिन्यू। पिछली अभिक्रिया में, पिछली क्लास में मैंने आपको बात बताई होगी कि किस प्रकार से चूने को बाजार से लाने से लेकर उसको दीवार में, उसको घोलने से लेकर उसको दीवार में लगाने से लेकर और दीवार पर चमक आने तक कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि जो भी हम चूना बाजार से लाते हैं और उसके बाद जो दीवार में उसको लगा करके चमक आती है, उसमें कितने सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं और कितनी सारी बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू मैंने आपको बताया, आपको वो याद रखना है। आज की डेट में उससे आगे की बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, कुछ और अभिक्रियाएं मैं आपको लिखवाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, तो उनको आप ध्यान से देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पिछली क्लास का टॉपिक। ठीक है, इसमें हमने बात करी थी सिलेक्ट लाइन और क्विक लाइन के ऊपर। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से मैंने बात करी होगी। इसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी कि लोहे की बाल्टी में चूने को क्यों घोला जाता है, पानी को जब मिलाया जाता है तो स्लोली स्लोली क्यों मिलाया जाता है, धीरे धीरे क्यों मिलाया जाता है, क्या क्या सूत्र है और क्या क्या इनके रासायनिक नाम है और क्या क्या इनके रासायनिक सूत्र है, केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला में मैंने आपको अंतर बताया होगा। ठीक है, आज इसको करते हैं कंटिन्यू। आज मैं आपको एक नई टाइप की रिएक्शन दिखाता हूँ जो कि है इसका मैंने पहला उदाहरण पीछे पॉइंट डाला होगा ना, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस कर रहा हूं, तो एग्जाम्पल नंबर 2 की हेडिंग डाल देते हैं, बर्निंग ऑफ कोल यानी कोयले का दहन। बच्चों, आपको याद आ रही होगी एक बात, बर्निंग दहन जलाना अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ, सबका एक ही मतलब है कि अभिक्रिया करा देने किसके साथ, प्लस O2। तो कोयले की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ, सीधी सीधी बात है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कोयले की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करानी है, इतना हमको पता लग गया है। किसकी? कोयले की। कोयले के अंदर क्या होता है? कोयले के अंदर होता है कार्बन। कोयले के अंदर क्या होता है? कार्बन। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो हमने कार्बन के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, सिंपल। तो जब आप कोयले को जलाते हो तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसके अलावा हीट भी निकलती है, एनर्जी भी निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है ना। तो जब आप घर में खाना पकाते हो या फिर आग सेकते हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो? कोयला या लकड़ी को जलाते हो। ठीक है, तो वहां पर ऑक्सीजन गैस, मैंने आपको बताया, जलाने के लिए हमेशा जरूरी चाहिए। कोयले लकड़ी के अंदर जो जलने वाला पदार्थ होता है वो होता है कार्बन, और जो गैस बनती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसको धुआं बोल लीजिए या गैस बोल लीजिए। ठीक है, तो ये जनरेट होता है आफ्टर द बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, तो जब भी आपने देखा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन, हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो जिस कमरे में आपने धुआं लगा रखा है, जिस कमरे में आपने गैस लगा रखी है, आप उस बात का ध्यान रखेंगे कि उस कमरे में एक वेंटिलेटर जरूर होना चाहिए, यानी कि एक रोशनदान की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो ये धुआं है, दिस मस्ट गो आउट, दिस मस्ट एग्जिट, अदरवाइज आप इस धुएं को इनहेल कर लेंगे और आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ठीक, तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है ये, उदाहरण नंबर 2। इसके अलावा एक और उदाहरण है नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर यानी जल का निर्माण। आप लिखिए, हिंदी में लिखिए, जल का निर्माण,
फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जल का निर्माण के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो जल बन जाता है। अब ये समीकरण बैलेंस करनी है, तो बैलेंस आप अपने हिसाब से कीजिए। समीकरण मैंने आपको समीकरण बैलेंस करना सिखा रखा है, यहाँ पर मैं जो समीकरण लिख रहा हूँ वो बैलेंस्ड समीकरण आई थिंक लिख रहा हूँ, अगर नहीं है वो बैलेंस तो आप बैलेंस कीजिए उसे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, अदर एग्जाम्पल्स हो गया बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलाना भी एक संयोजन अभिक्रिया है, जल का बनना फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी एक संयोजन अभिक्रिया है। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पर डिस्कस करनी है। हमने पीछे देखी थी कुछ अभिक्रिया, जैसे यहाँ पर ही देख लो, यहाँ पर भी ऊष्मा बन रही है, हमने कोयले को जलाया और क्या बनी, ऊष्मा बनी, ठीक है। कोयले को जब आप किसी चीज को जलाते हो तो गर्मी होती है ना, ऊष्मा बनती है। और यहाँ पर देखो, ये भी हमने क्या देखी थी, एक संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण देखा था। तो यहाँ पर बिना बुझे हुए चूने की जल के साथ अभिक्रिया बनाई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, यानी बुझा हुआ चूना बना, ठीक है। अब उत्पाद ये संयोजन अभिक्रिया तो हो गई, लेकिन साथ में ये ऊष्मा भी बनी, साथ में ये ऊष्मा भी बनी। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि जिसमें उत्पाद तो बनेगा लेकिन उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलेगी, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट तो होगा लेकिन साथ साथ इवोल्यूशन ऑफ यानी फॉर्मेशन ऑफ हीट भी होगा। जब कभी ऐसी अभिक्रिया होती है तो हम उसको एक नया नाम देते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसको हम लोग नाम देते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो मैं जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को नोट डाउन कराना चाहता हूं, आप सब लोग मेरे साथ लिखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो मैंने अभिक्रिया आपको कितने प्रकार की बताई थी, पांच प्रकार की बताई थी, संयोजन, वियोजन, ठीक है। मैं उस पेज पर लेकर चलता हूं आपको, जहां पर मैंने आपको अभिक्रिया बताई थी, ये रही, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। इसके बीच में मैं आपको नई नई प्रकार की अभिक्रिया भी बताऊंगा, अलग अलग प्रकार की, ठीक है। तो जो है कि जो की है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी एक अभिक्रिया होती है, लेकिन सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका इंग्लिश में नाम है ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो मैंने क्या बताया, उत्पाद तो बना लेकिन उत्पाद के साथ साथ क्या बना, ऊष्मा भी उत्पन्न हुई, ठीक है। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, लिख लीजिए आप, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी रिएक्शंस इन विच, रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन अलोंग विद द प्रोडक्ट। इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। Is called exothermic reaction. Okay, reactions in which heat is released during the reaction along with the product is called exothermic reaction. हिंदी में इसका क्या मतलब होगा? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप
अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के साथ साथ उत्पाद के साथ साथ किसका ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। होती है कौमा वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गई अभिक्रिया की डेफिनेशन और इसका उदाहरण लिख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपको अभिक्रिया के साथ 1, 2, 3, 4 जितने भी हो बट याद रखने हैं, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, बट आपको याद रखना है। इसमें एग्जाम्पल आप कौन सा दे सकते हो, वही वाला दे सकते हो, क्विक लाइम प्लस वॉटर गिव्स स्लेक्ट लाइम प्लस ऊष्मा यानी हीट। ठीक है, बुझा बिना बुझा चूना जल, बुझा हुआ चूना ऊष्मा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया दे सकते हो। इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं बिना बुझे हुए चूने की जब अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो बुझे हुए चूने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है अत्यधिक मात्रा में, इसीलिए यह अभिक्रिया क्या है, एक ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक हो गया, तो इसमें आपने देखा उत्पाद तो बना, साथ में क्या हुआ, साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न हुई। ठीक, और कुछ उदाहरण इसके लिख लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, शायद आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, आई थिंक। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एक दो अभिक्रियाएं एग्जांपल्स हैं, नंबर 1 हो गया इसका, नंबर 2 मैं इधर लिख रहा हूं, जो हमारी नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस उसका दहन। चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ये तो पिछली अभिक्रिया है ना, मैंने बोला था आपको ज्यादा अभिक्रिया याद नहीं करनी पड़ेंगी, तो अगर आप एक ही एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो ये अभिक्रिया मैंने पहले भी आपको याद कराई है, उसी को आप इसके एग्जांपल में लिख सकते हैं। अब और उदाहरण, मैं दूसरा एक उदाहरण लिख रहा हूं, प्राकृतिक गैस का दहन यानी कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, हेडिंग डालिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग का मतलब अब आपको दिमाग में याद आ जाना चाहिए अब तक, क्योंकि बहुत ज्यादा इस बर्निंग शब्द का, दहन शब्द का यूज कर चुके हैं। बर्निंग का मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, किसकी, प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस में क्या होती है, नेचुरल गैस में क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है नेचुरल गैस में होता है एक पदार्थ जिसका नाम है मीथेन, CH4 लिखते हैं इसको, और इसका नाम होता है मीथेन, हिंदी में लिखते हैं मीथेन या मेथेन। ठीक है, उसकी उसका दहन यानी उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो जब जब प्राकृतिक गैस का दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, साथ में जल का भी निर्माण होता है, और अगर ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है तो इसमें ऊर्जा या ऊष्मा भी निकलेगी। तो समीकरण को संतुलित कर लेते हैं, CH4 हो गया, यहाँ ये हो गया 2 और 1 3, तो आई थिंक 2 और 2 4, तो ये इधर बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है जो जो जिसका नाम है प्राकृतिक गैस का दहन। तो प्राकृतिक गैस के दहन में कौन सी अभिक्रिया होती है, प्राकृतिक गैस के दहन में ये अभिक्रिया होती है, इसमें आप देख रहे हैं ऊर्जा भी उत्सर्जित हो रही है यानी ऊष्मा भी बन रही है। ठीक है, नाम मैंने आपको बता दिया। थर्ड नंबर की जो रिएक्शन है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप इसको याद रखेंगे जीवन भर, चाहे किसी एग्जाम में आए चाहे ना आए। अभिक्रिया में लिख लेता हूं यहाँ पर, सबसे पहले C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस 6O2, इसको ऐसे ही याद रखना। ठीक है, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस H2O प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ये अभिक्रिया मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अभिक्रिया का नाम है भोजन का पाचन,
भोजन का पाचन, या फिर आप इसे कह लीजिए श्वसन। जब आप लोग बायो में एडवांस करोगे, यानी जो आपका चैप्टर 6 है या चैप्टर 7 है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, आपके पास एक चैप्टर है बायो में जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, एक मिनट है मैं इसको लिख लेता हूँ, ये कौन सी अभिक्रिया है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन की अभिक्रिया है। चैप्टर का नाम है आपके पास लाइफ प्रोसेस, शायद ये आपका 6ठा चैप्टर है या फिर 7वां चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस में आपके पास 4 प्रकार की लाइफ प्रोसेस होती है, जिसमें कि आपका है न्यूट्रिशन, देन उसके बाद है रेस्पिरेशन, देन उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, देन उसके बाद है एक्सक्रीशन। तो क्या है चैप्टर में, चैप्टर में ये है कि किसी भी लिविंग एक्सक्रीशन, किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए ये 4 प्रक्रियाएं उसके शरीर में होनी आवश्यक है। यानी कि उसके शरीर में न्यूट्रिशन यानी उसको पोषक तत्व की प्राप्ति होनी चाहिए, उसको रेस्पिरेशन होना चाहिए, रेस्पिरेशन यानी श्वसन की प्रक्रिया होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, शरीर में जो भी उत्पाद मिले, जो भी उसको पोषक तत्व शरीर के सभी भागों तक पहुंच जाने चाहिए, और लास्ट वन इज एक्सक्रीशन यानी जो शरीर में वेस्ट पदार्थ, जो ऐसे पदार्थ जो हानिकारक होते हैं शरीर के लिए, उनका शरीर से बाहर निकलना भी जरूरी होता है। तो ये 4 प्रक्रिया जो है हमारे जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। इसमें आप दूसरा देख रहे होंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या प्रक्रिया होती है, हमारा सांस लेना दूसरी प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन दूसरी प्रक्रिया होती है। रेस्पिरेशन में हम सांस लेते भी हैं और सांस छोड़ते भी हैं। सांस लेना को क्या बोलते हैं, इनहेल, और सांस छोड़ना को क्या बोलते हैं, एक्सहेल। तो जब हमने सांस ली उसके बाद सांस छोड़ी तो उसको रेस्पिरेशन की प्रक्रिया बोला, ठीक है। अब हम सांस क्यों लेते हैं, तो आपने देखा होगा सांस के साथ हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक है। हमने ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बात तो सबको पता होगी, ठीक है। हम जो खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर को क्या मिलता है, ग्लूकोज। यानी आपका शरीर आपसे ये मतलब नहीं रखता है कि आपने कितना टेस्टी खाना खाया, आपका शरीर आपसे ये मतलब नहीं रखता है कि आपने कितना टेस्टी खाना खाया। एक मिनट इसको रहने देते हैं, ठीक है, इतना मिटाते हैं बस। आपके शरीर को सिर्फ मतलब है उसको ग्लूकोज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ये भोजन में जो ग्लूकोज है वो आपके शरीर को चाहिए, ठीक है। तो भोजन में ग्लूकोज आपके शरीर को मिल गया, ठीक है, काम हो गया। अब ये ग्लूकोज जो है ये आपके शरीर में जो आपने ऑक्सीजन इनहेल करी है उसके साथ अभिक्रिया, देखो ये ऑक्सीजन दिख रही है यहाँ पे, मैंने क्या बोला आप सांस के साथ क्या लेते हो, ऑक्सीजन, ये उसके साथ अभिक्रिया करता है। और आपने एक्सहेल क्या करी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी और ये आपने बाहर निकाल दी बॉडी से, ठीक है। तो अभिक्रिया जो हो रही है समझ में आ रही है, आपके शरीर में चल रही है ये अभिक्रिया, अभी चल रही है, हर दिन चलेगी, जब तक आप जीवित हैं तब तक चलेगी ये अभिक्रिया, इसलिए बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आप देख रहे हैं H2O, यानी कुछ मात्रा में जल बनेगा और ऊर्जा मिलेगी। तो ये ऊर्जा है जिससे हम अभी अपने सभी काम करते हैं, ये वो ऊर्जा है जो कि हमारे दैनिक जीवन के सभी वर्क, सभी जो भी काम हम लोग करते हैं, जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, जो भी हमारी ऊर्जा है किसी भी काम करने को दैनिक जीवन की, ये वो ऊर्जा है, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम चल रहे हैं, अगर हम कुछ ही काम को कर रहे हैं, तो उसके लिए जो ऊर्जा है वो कहाँ से आ रही है, वो इस अभिक्रिया से आ रही है आपके शरीर में। यानी कि जो आपके शरीर में ग्लूकोज बना है, जो आपने खाना खाया है, तो खाना खाने के बाद आपने जो श्वसन की प्रक्रिया हुई उसके बाद आपको ऑक्सीजन मिली, मतलब आप खाना खाएंगे तो ऊर्जा मिलेगी, खाना नहीं खाएंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद जो इसमें बाकी बातें जो होंगी वो हम लोग 6 चैप्टर मैंने आपको बताया था जिसका कि नाम है लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम, वहां आप इसे पढ़ लेंगे, वहां आपके पास डिटेल में चर्चा होगी, अभी मैंने आपको इसको ब्रीफ में बताया। ये ग्लूकोज कहाँ से मिला, ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके टूटने से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो है एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है, और कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिला, तो ये फूड से मिला, कैसे कैसे खानों से, तो कार्बोहाइड्रेट हमको फ्रूट से मिलता है, फल हो गए इनसे मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ब्रेड हो गया, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और आलू हो गया, पोटैटो हो गया, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा क्लियर, ये अभिक्रिया हमने देख ली। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलेंगे वो है
वियोजन अभिक्रिया मैंने आपको बताई थी, संयोजन अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरीके से, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको सब बता दी है। संयोजन अभिक्रिया दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं पूरी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया यहाँ से है शुरू, ठीक है। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट देन द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मैं इसको जो वियोजन अभिक्रिया हमने इसके बाद पढ़ी थी ना, इसको हम लोग आगे रख लेते हैं क्योंकि हमको संयोजन अभिक्रिया के जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो साथ में रखने हैं, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया मैंने बाद में रखी है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपके नोट्स भी इसी तरीके से होने चाहिए, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ ली, इसकी परिभाषा लिख ली, इसके हमने दो उदाहरण लिख लिए। जब दो अभिकारक मिलेंगे तो उत्पाद बनेंगे। उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसके बाद आपने ये लिखना है कि संयोजन अभिक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। आपने देखा पहली अभिक्रिया कहाँ हुई, जब चूने को आपने विघटित करा बिना बुझे चूने से, बुझा हुआ चूना आपने बनाया, ठीक है। इसमें आपने क्या क्या बातें ध्यान में रखी वो मैंने नीचे लिखी हुई है। उसके बाद आपने क्या लिख लेना है, उसके बाद आपने लिखना है कि जो चमक है वो कैसे आई, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र यानी मार्बल का रासायनिक सूत्र भी होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद बर्निंग ऑफ कोल यानी जब कोयले को जलाया जाता है तो वो कैसी अभिक्रिया है, एक वो भी एक संयोजन अभिक्रिया है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जल का बनना भी एक संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन अलोंग विद द प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उदाहरण वही उदाहरण जो हमने पीछे देखा था, क्विक लाइम वॉटर सिलेक्ट लाइम एनर्जी, यानी बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, ठीक है, और ऊष्मा मिलती है। अब और हमने कुछ उदाहरण देखे, उदाहरण नंबर दो प्राकृतिक गैस का दहन। उदाहरण आपको बहुत सारे याद रखने हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब किसी चीज का दहन होगा बर्निंग होगी तो अभिक्रिया किसके साथ करानी है, ऑक्सीजन के साथ, ये चीज आप याद रखेंगे। और प्राकृतिक गैस में क्या होता है, मीथेन CH4 होता है, तो हमने किसकी कराई, इसमें CH4 की अभिक्रिया कराई ऑक्सीजन के साथ, जिसमें आपको क्या मिला, जिसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, जल मिला और ऊर्जा मिली, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट है अभिक्रिया वो है ग्लूकोज की अभिक्रिया, जो हमारे शरीर में होती है, जिसको हम श्वसन के नाम से जानते हैं। ये हमारे समस्त जीवधारियों के लिए जीवित रहने वाली अभिक्रिया है, अगर कोई जिंदा है तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जिंदा है। तो मैंने इसमें बताया ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है, ये ऑक्सीजन आप जो सांस द्वारा ले रहे हैं वो ऑक्सीजन है, और उसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आप अपनी सांस के द्वारा ही छोड़ देते हैं, जल बनता है और ऊर्जा बनती है। इस ऊर्जा से आप क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन के जो काम है वो चलाते हैं। जैसे जैसे ये ऊर्जा का स्तर कम होता है आपको भूख लगने लगती है और आप फिर से खाना खाते हैं और फिर से आपको ऊर्जा मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि जो जो चीजें आपको बताई गई, जो जो चीजें आपको समझाई गई, जो जो उदाहरण दिए गए, वो सभी आपके समझ में आ गए होंगे। मैं जानता हूं कि उदाहरण आपके पास काफी सारे आ रहे हैं और इस चीज से मैं अवगत हूं कि आपको इन चीजों को समझने में थोड़ा सी डिफिकल्टी किसी किसी को हो रही होगी। अगर हो रही है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो जो चीजें यहाँ से बताई जाती है उसको एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज कीजिए, ठीक है, और आपको वो चीज समझ में आ पाएगी। तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।